ओके, एससीवी 2 चैप्टर नंबर 32, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, ऑब्जेक्टिव 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले। चलो, मेटेलिक रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी इफ नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द लैटिस इज समहाउ डिक्रीज्ड इन द रजिस्टर, फॉर एग्जाम्पल द कूलिंग इट द करेंट विल बी। ओके, जब कूलिंग करते हैं तो रेजिस्टिविटी उसकी कम हो जाती है, बिकॉज व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, तो व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर उसका जो रिलैक्सेशन टाइम है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, इट गोज अप, रेजिस्टिविटी कम्स डाउन। इफ रेजिस्टिविटी इज लेस, रेजिस्टेंस विल बी लेस, करंट विल बी गोइंग अप। तो आंसर ए। नेक्स्ट वन इज टू रजिस्टर्स ए एंड बी हैव द रजिस्टेंस आर ए एंड आर बी रजिस्टिविटी रिस्पेक्टिवली विद आर ए लेस देन आर बी, द रजिस्टिविटी ऑफ देयर मटेरियल इज रो ए एंड रो बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। द रजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन रजिस्टिविटी ऑल्सो, लेंथ ऑल्सो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अनलेस वी हैव दीज इंफॉर्मेशन वी कैनॉट से रजिस्टेंस लेस मीन्स resistivity will be less, we cannot say, because resistance also depends upon the length and area of cross section of conductor. So insufficient information. Let's move on to the question number 3. The product of resistivity and conductivity of the cylindrical conductor depends upon, तो दोनों को multiply कर देते हैं तो 1 आता है, in fact है ना, देखो rho is equal to 1 by sigma, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड में 1 आ गया, तो इट इज़ 1 ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग, है ना, एक बढ़ता टेम्परेचर बढ़ाने से एक बढ़ता दूसरा घटता, है ना, क्रॉस सेक्शन पे तो वैसे ही, डायमेंशन पे तो वैसे ही डिपेंड नहीं करता, मटेरियल में भी है ना, एक बढ़ेगा, सपोज टेम्परेचर बढ़ा, ये बढ़ा तो ये कम होता, प्रोडक्ट इज़ 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एज द टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक रजिस्टर इज इंक्रीज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, सेम है ना, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, 1 रहेगी, ऑल राइट, रो इन टू सिग्मा, दैट्स कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू 1, दैट्स कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग बैटरी द चार्ज इज एज्यूम्ड पॉजिटिव इन साइड द बैटरी ऑलवेज गोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, नो नॉट नेसेसरली, मे गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यस वाइल चार्जिंग, ये हाई सोर्स की जो बैटरी होती है उसको रिवर्स करंट फ्लो करती है, तो पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव से नेगेटिव, नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव चार्जेज आते हैं, बैटरी मैकेनिज्म ऑफ बैटरी फोर्स से, बैटरी के जो इलेक्ट्रोलाइट है वो फोर्स लगाते हैं, पॉजिटिव आयंस को पॉजिटिव टर्मिनल पर भेजते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है लेफ्ट वाला, ठीक है, चार्जिंग में रिवर्स होता है, पॉजिटिव चार्जेज विल मूव फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ऑलवेज गोज फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ऑलवेज नहीं है इसमें, देखो दे आर रिवर्सिंग, डजंट मूव, ये भी रॉन्ग है, ओनली बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू एन आइडियल बैटरी इफ द वैल्यू ऑफ आर इज डिक्रीज द पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीजिंग, ये कम हो गई, पावर विल गो अप, वी कॉन्स्टेंट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट में इट इज़ टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, पावर इज टेंडिंग टू टेंडिंग टुवर्ड्स वेरी हाई शॉर्ट सर्किट में। सेवेंथ, करंट पासिस थ्रू द रजिस्टर, लेट के वन एंड के टू रिप्रेजेंट द एवरेज कनेटिक एनर्जी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मेटल आयंस रिस्पेक्टिवली, विच वन इज ग्रेटर आर लेसर, देखो तो इलेक्ट्रॉन के लिए
दोनों के लिए फार्मूला सेम है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमने मास इलेक्ट्रॉन का लिखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ई ई टाओ बाई एम ई, है ना, तो एक एम चला जाएगा, एक बच्चे का नीचे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द पार्टिकल। आयंस में भी वही, तो आयंस का मास मोर होगा सेम कंडीशन के लिए, तो लेस काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का मास लेस है तो मोर काइनेटिक एनर्जी, सी इज द राइट आंसर। टू रेजिस्टर्स आर एंड टू आर आर कनेक्टेड इन सीरीज, थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन आर एंड टू आर। सीरीज में आई स्क्वायर आर होता है, रेजिस्टेंस के रेशियो पे डिपेंड करता है, 1:2 है, करंट सेम रहेगा, करंट विल बी सेम, तो रेजिस्टेंस के रेशियो पर डिपेंड करेगा, 1:2, ये 1:2 है तो 1:2 आंसर आएगा। नेक्स्ट वन इज टू रेजिस्टेंसेज आर एंड टू आर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द थर्मल एनर्जी डिसिपेटेड इन आर एंड टू आर, तो पैरेलल में वी स्क्वायर बाई आर, वी कैंसिल हो जाएगा, तो एच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इन्वर्सली में पलट जाएगा फिर ये रेशो, ऊपर 2 आ जाएगा, 2:1। ओके, यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर नाउ कनेक्टेड, 5 पार्ट करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 ओम ईच का हो जाएगा, और 10 को चार सभी पांचों 10 को हम पैरेलल में लगा देंगे तो आर बाई एन वाले फार्मूले से 10 बाई 5 2 ओम आ जाएगा, पहले ईच वायर का ईच पार्ट का 10 हो मतलब 1/5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑलराइट, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, किरचॉफ जंक्शन लॉ फॉलोज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, ये सही है, किरचॉफ लॉज लूप लॉ फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर आल्सो कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, वर्क पोटेंशियल नेट पोटेंशियल जीरो होता है, मतलब इनक्लोज लूप में वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, तो वर्क डन आ गया, एनर्जी हो गई, और ये क्लोज लूप के लिए जीरो होती, तो सिंस फील्ड इज कंजर्वेटिव इसलिए जीरो आती वो, तो ए में क्या है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, राइट। टू नॉन आइडियल बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द इक्विवेलेंट ईएमएफ इज लार्जर देन द ईएमएफ ऑफ टू ईएमएफ्स, डायरेक्ट फार्मूला होता है ई एस इज इक्वल टू ई1 प्लस ई2, है ना, तो सीरीज में ऐड हो जाएंगे तो इक्विवेलेंट विल गो अप, द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द आइदर ऑफ टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो नो, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी सीरीज में ऐड हो जाएगा, स्मॉलर नहीं होगा, मोर होगा, ठीक है, तो बी इज करेक्ट, वन इज एज, इसमें देखो बी में क्या लिखा है, एज आई मीन ऑप्शन बी इज करेक्ट, जिसमें ए सही है और बी रॉन्ग है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द ये बिगर है, ऐड हो जाएंगे सारे। टू नॉन आइडियल बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द इक्विवेलेंट ईएमएफ इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ द टू ईएमएफ, तो दोनों से देखो ये फार्मूला लगाएंगे, कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इक्विवेलेंट जो होता है पैरेलल में इक्विवेलेंट ईएमएफ छोटी वाले ईएमएफ से ज़्यादा आता है, बड़े वाले से कम होता है, अगर दोनों आइडेंटिकल हैं तो इक्वल आ जाता है, छोटा नहीं आएगा, है ना, सपोज दोनों ई ई की है तो ई पी विल बी आइडेंटिकल है, मतलब आर भी सेम है तो ई आ जाएगा, तो स्मॉलर नहीं होगा, दोनों स्मॉलर नहीं हो सकते, अन आइडेंटिकल में बड़े वाले का थोड़ा कम होता है, छोटे वाले का बढ़ता है, बीच में कहीं सेटल होता है, तो इज नॉट करेक्ट, है ना, इज रॉन्ग, तो सी ही ऑप्शन होगा, बी वाला देख देते, द इक्विवेलेंट इंटरनेशनल से स्मॉलर देन, हाँ पैरेलल में कम हो जाता है, लेस देन लोएस्ट हो जाता है, बैटरी में ऐसा नहीं होगा, लेस देन लोएस्ट, बैटरी में
लोएस्ट वाले से ज़्यादा और हाईएस्ट वाले से कम, रेजिस्टेंस में लेस देन लोएस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेट रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर शुड बी स्मॉलर टू इंश्योर दैट इट डजेंट एप्रिशिएबली चेंजेस द करंट टू बी मेजर्ड। क्योंकि ये क्या है, सीरीज में कनेक्ट होता है ना। सपोज यहाँ पे हमने अमीटर लगा दिया, ये बल्ब है, तो अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बल्ब डिम हो जाएगा, तो इसलिए इसका लेस रेजिस्टेंस होना चाहिए, सो दैट इट शुड नॉट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द अदर डिवाइसेस। तो डी इज़ करेक्ट, इट डजेंट एप्रिशिएबली चेंज द करंट टू बी मेजर्ड बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज एंड its net resistance should be small. The net resistance of voltmeter should be large to ensure that, इसमें भी देखो, it doesn't appreciably change the potential difference to be measured, है ना। जैसे सपोज ये बल्ब है, यहाँ पर voltmeter connect कर देंगे parallel में, तो अगर इसके खुद का बहुत high resistance होगा तो potential difference accurate आता है, कनेक्टेड इन पैरेलल, तो अगर सपोज लेस हो गया रेजिस्टेंस के बराबर, इसका बल्ब के रेजिस्टेंस के बराबर इसका रेजिस्टेंस होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी कम दिखाएगा। ये वी कैन मेक द कैलकुलेशन आल्सो, है ना, इसको कुछ इमेजनरी वैल्यू लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दिस टॉपिक इन एनसीईआरटी बुक इज इन द नेक्स्ट चैप्टर, मैग्नेटिज्म में है, वहाँ पर न्यूमेरिकल्स होंगे इसके। ठीक है, ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम नहीं है, डजंट ड्रॉ द एक्सेसिव करंट, एक्सेसिव करंट नहीं बोल सकते, बट इट विल ड्रॉ द लीस्ट करंट, बहुत कम करंट ड्रॉ करेगा, ये थोड़ा बहुत क्लोज आंसर हो सकता है। ओके, इट कैन मेजर लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं, इट कैन मेजर लार्ज एंड बोथ, दोनों, इट डजेंट एप्रिशिएबली चेंज द पोटेंशियल, मतलब दे शुड इंडिकेट क्लोज टू द करेक्ट रीडिंग। अगर आइडियल होगा ये लार्ज होगा तो उसमें करंट नहीं जाता है, सारा करंट इधर ही रहेगा और सर्किट अफेक्ट नहीं होता, नेट रेजिस्टेंस भी सर्किट का उतना ही रहेगा। पैरेलल में अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगा दो तो रेजिस्टेंस सर्किट का चेंज नहीं होगा, तो सर्किट विल नॉट बी अफेक्टेड। नेक्स्ट वन इज कंसिडर द कैपेसिटर चार्जिंग सर्किट, लेट क्यू वन बी द चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर इन 10 मिली सेकेंड एंड क्यू टू बी द चार्ज गिवन टू द नेक्स्ट 10 मिली सेकेंड एंड क्यू एंड 10 माइक्रो कूलम चार्ज बी डिपॉजिटेड इन टाइम इंटरवल ऑफ टी वन, नेक्स्ट 10 माइक्रो कूलम इज डिपॉजिटेड इन टाइम टी टू। तो इनिशियली चार्ज ग्रोथ इज़ फास्टर, ऐसे ग्राफ जाता है बाद में से, तो इनिशियली जो होगा क्यू वन इन फर्स्ट 10 मिली सेकेंड विल बी ग्रेटर एज कम्पेयर टू दिस, इनिशियली इतना गया नेक्स्ट 10 में इतना आएगा, तो क्यू वन विल बी ग्रेटर इन दोनों में से है, तो एक ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद देखते हैं 10 मिली सेकेंड और नेक्स्ट, नहीं 10 माइक्रो कूलम एंड नेक्स्ट 10 माइक्रो कूलम, तो पहला जो 10 माइक्रो कूलम होता है वो कम टाइम लगता है ना, क्विकली, यहाँ पे देखो टाइम एक्सेस है, 10 माइक्रो कूलम सपोज टाइम टी वन में है तो बाद में जो टाइम ज़्यादा लग रहा है ऐसे हो रहा है, है ना, सपोज़ ये 10 है इतना, सपोज हम यहाँ पे ले रहे इतना 10, तो ये टाइम लगेगा, नेक्स्ट इतना तो ज़्यादा टाइम लगेगा, देखो ये इंटरवल बढ़ जाएगा। आर वी कैन जस्ट कैलकुलेट आल्सो बाय द चार्ज ग्रोथ, है ना, क्या फार्मूला होता है, इसे लेफ्ट कर दें, बट ग्राफ इज़ द गुड इंडिकेटर। इनिशियल जो है चार्ज 10 माइक्रो कूलम बिगनिंग वाला, पहले वाला, इट विल टेक लेस टाइम, है ना, ग्राफ ऐसे वर्टिकल हो रहा है तो मोर चार्ज इन लेस टाइम, फिर धीरे धीरे टाइम एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा है, फिर स्लो डाउन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन।
Now we'll see the objective 2 of this chapter 32. Okay, let's see now. Electrons are emitted by the hot filament and are accelerated by the electric field as shown in the figure. The two stops at left and right and ensure that the electron beam has a uniform cross section. ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम जाएगी ऐसे. द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर एट बी, है ना, बिकॉज एक्सीलेशन होगा ई फोर्स अपॉन मास, फोर्स इज क्यू ई, तो एक्सीलेटेड मोशन है, तो यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा. द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नो, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे तो राइट टू लेफ्ट होगा. ठीक है, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज लार्जर एट बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट देखते हैं. आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, क्यू इक्वल टू एन ई, तो यहाँ से एन इंटू ई नंबर ऑफ कुछ पर सेकेंड इमिट हो रहे हैं, एन इज द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, है ना, यहाँ पे एन जो है इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड. ठीक है, तो ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो तो बाहर निकले, डी एन बाई डी टी ये कॉन्स्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड, तो वही इधर से क्रॉस होंगे, ये बीच में तो रुक नहीं रहे, है ना, स्पीड बढ़ गई लेकिन उनके बीच का गैप बढ़ जाएगा ना, एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर, इसमें गैप कम होगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे एक्सलेट हो रहे हैं ना, तो गैप बढ़ जाएगा, तो देयर फोर आंसर ई. ओके, नेक्स्ट, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज लार्जर एट बी इज़ रॉन्ग, और करंट पे करंट डेंसिटी डिपेंड करती है, तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा, करंट चेंज नहीं हो रहा तो करंट डेंसिटी चेंज नहीं होगी, बीम जो है दी उसके क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म बीम है, तो ए इज द राइट आंसर. देखो क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे, कैपेसिटर विद नो डायलैक्ट्रिक इज कनेक्टेड टू द बैटरी एट टी इज इक्वल टू जीरो, कंसीडर पॉइंट ए इन कनेक्टिंग वायर एंड बी बिटवीन द प्लेट्स, देर इज नो करंट इन ए, तो लेट सी पर करंट की इक्वेशन देखते हैं. डिफ्रेंशिएट किया क्यू चार्ज की इक्वेशन ये होती है, चार्ज ग्रोथ इन द आर सी सर्किट इज गिवन बाई क्यू इक्वल क्यू नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाओ, टाओ इज दैट टाइम कॉन्स्टेंट आर सी, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा. ठीक है, तो नाउ वी सी, अगर हमने टी इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तो ये तो वन हो जाएगा, तो करंट इज इनिशियली करंट इज क्यू नॉट बाई टाओ, टाओ इज इक्वल टू आर सी. ठीक है, तो इनिशियली ये तो रॉन्ग हो गया, देयर इज करंट थ्रू द, देर इज नो, एक मिनट, देर इज नो करंट, जस्ट मिनट है, देर इज नो करंट थ्रू ए टी इज, तो ये तो रॉन्ग है ना, ए कहाँ पर कनेक्टिंग वायर में, है ना, तो नो करंट, देर इज यस करंट, है ना, there is no current through B, है ना, तो there is no current through B, there is no current through B. ठीक है, एक मिनट, इसको जस्ट होल्ड इट. ठीक है, सी देखते हैं, there is current through A as long as the charging is नॉट कम्प्लीट. हाँ, करंट फ्लो होता है, ये चार्ज इस पर पॉजिटिव चार्ज आते रहते, करंट फ्लो होता है, तो सी इज ऑल राइट. ठीक है, देर इज़ करंट थ्रू बी एज लॉन्ग एज द चार्जिंग इज नॉट कम्प्लीट, तो बी पे भी करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं यहाँ पे, जैसे जैसे चार्ज आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस द डिस्प्लेसमेंट करंट, तो बी भी सही है, डी भी सही है, बट ये ऑप्शंस में नहीं दिया है अपना. ठीक है, डी सही है, तो ऑप्शंस में डी नहीं दिया. लेट्स सी द बी पार्ट, बी से बी देखते हैं, देर इज नो करंट थ्रू बी, तो नो करंट थ्रू बी,
बी पे करंट होगा, ठीक है, देर विल बी, तो बी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज अगर यहाँ पे करंट होता है ना तो यहाँ भी करंट होता है, तभी तो सर्किट ऐसे कंप्लीट, मतलब बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट होता है. तो देर इज़ नो करंट थ्रू ए इज़ रॉन्ग, देर इज़ नो करंट थ्रू बी, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग. सी वाला सही है, देर इज़ करंट थ्रू ए एज लॉन्ग एज चार्जिंग गोज ऑन, ठीक है, तो ये सही है. देर इज़ करंट थ्रू बी एज लॉन्ग एज चार्जिंग इज़ नॉट कम्प्लीटेड, तो यहाँ भी करंट होगा, एंड इट विल बी इक्वल, दिस डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी इक्वल टू दिस करंट जितना यहाँ पर होगा. तो सी एंड डी आर करेक्ट, ए एंड बी आर रॉन्ग. तो बुक में बी एंड सी करेक्ट दिया हुआ है, तो जस्ट करेक्शन शुड बी मेड. ठीक है, लेट मी जस्ट अगेन रिपीट इट. देर इज़ नो करंट थ्रू ए, बट एट टी इज इक्वल टू जीरो पे बोले, तो करंट है टी इज इक्वल टू जीरो पे. ये टर्म जो है तुम्हारा व्हाट इज कॉल्ड, इनिशियली यू कैन पुट द मीटर हियर, करंट दिखाता है वो, है ना, और इसमें भी रहेगा, जितना इसमें रहेगा उतना, सपोज 1 एम्पियर है तो यहाँ भी 1 एम्पियर रहेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट रहेगा वो. ठीक है, तो देर इज़ नो करंट, ये भी रॉन्ग हो गया, बट ये सही है. देर इज़ करंट थ्रू एज लॉन्ग एज चार्जिंग इज नॉट कम्प्लीट, है ना, तो एमीटर धीरे धीरे, पहले मैक्सिमम दिखाता है एमीटर, फिर धीरे 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 जीरो की तरफ आ जाता है. तो सी इज़ करेक्ट, डी इज़ ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज देर विल बी करंट इन बी ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना, इसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे. चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से होता है. ऑल राइट, चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं. व्हेन नो करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स डोंट मूव. फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मूव होते रहते, रैंडम मोशन रहता है. द एवरेज स्पीड मूव होगा तो एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी, ठीक है. द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ओवर द लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज जीरो, क्योंकि रैंडम मोशन है तो एवरेज वेलोसिटी जीरो आएगी, कभी लेफ्ट जा रहा है कभी राइट जा रहा है. पर एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो भी जीरो आएगी, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, दोनों जीरो आएगी, एक की भी जीरो और सभी की भी जीरो एवरेज. रैंडम मोशन होता ही रहता है, है ना. नो करंट पास, नो करंट, जब करंट पास होता तो ड्रिफ्ट होती है, फिर एवरेज वेलोसिटी नहीं होगी जीरो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होती. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज डू नॉट चेंज व्हेन द रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू बैटरी इज हीटेड ड्यू टू द करंट. तो देखो, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ई स्क्वायर एंड टाउ. टाउ टाइम डिपेंडेंट होता है, टाइम बढ़ने से जल्दी जल्दी कोलिजन होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है. जब हीटअप हो जाएगा जल्दी कोलाइड होंगे, टाइम कम हो जाता है, टाइम ऑफ कोलिजन, रेजिस्टिविटी गोज अप, रेजिस्टिविटी गोज अप तो आर गोज अप, आर गोज अप तो करंट कम्स डाउन, करंट कम्स डाउन तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है क्या क्या चेंज नहीं होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट चेंज. तो ये चेंज हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल चेंज, रेजिस्टिविटी विल चेंज, रेजिस्टेंस विल चेंज. ये किस पे डिपेंड करता है देखते हैं. देखो ये सैचुरेटेड होते हैं कंडक्टर में, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट 10^28. सेमीकंडक्टर में चेंज होते हैं, सेमीकंडक्टर में ये फास्ट रेट से बढ़ते हैं, ये कम रेट से कम होता है, रेजिस्टिविटी कम्स डाउन, कंडक्टिविटी गोज अप. सेमीकंडक्टर की बात करूँ, रिवर्स एक्शन होता है सेमीकंडक्टर, तो एन विल नॉट चेंज, है ना. एज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस इट्स रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी चेंज, द रेशियो ऑफ टू, तो रेशियो जो है यू हैव मिस सम ऑफ द क्वेश्चन. ओके, ठीक है, तो रेशो देखते हैं.
As the temperature of the conductor increases, its resistivity and conductivity changes. The ratio up to, तो ratio is resistivity upon conductivity. तो since sigma is 1 by rho, तो ये value यहाँ put कर देंगे तो ये rho square हो जाएगा resistivity, जो कि temperature पे change होती है ना, temperature बढ़ने से tau कम होता है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है ना. ऑलराइट, रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है. ठीक है, करंट पासेस थ्रू द वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शंस. तो चार्ज क्रॉसिंग इन द गिवन टाइम इंटरवल क्यू बाई टी, जो है ये तुम्हारा जो है विच आर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट ना, तो कांस्टेंट रहेगी. क्यों? बिकॉज एक सर्टन रेजिस्टेंस होगा. तो आई विल बी वी बाय आर, वी एक है ना, इसका कुछ ना कुछ आर रहेगा. तो ये नॉन यूनिफॉर्म में एक पर्टिकुलर वैल्यू आर की आएगी, वो चेंज नहीं होती. इट इज़ जस्ट एवरी पीस विल हैव इट्स ओन रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट, V कॉन्स्टेंट, तो करंट विल बी कॉन्स्टेंट, इंडिपेंडेंट ना. एरिया आगे जाने से करंट चेंज नहीं होता. ड्रिफ्ट स्पीड एरिया पे डिपेंड करती है, चेंज हो जाएगी करंट डेंस, सॉरी ड्रिफ्ट स्पीड, ये वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो ऑफ कोर्स एरिया पे डिपेंड, करंट कॉन्स्टेंट है तो एरिया पे डिपेंड कर रही. ठीक है, करंट डेंसिटी भी एरिया पे डिपेंड करती है. फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सैचुरेटेड होते हैं वो, है ना. तो ओनली ए इज, आई मीन हाँ, करंट इंडिपेंडेंट है, ये भी सैचुरेटेड है, तो डी इज आल्सो करेक्ट. ऑलराइट, तो ये भी सैचुरेटेड होते हैं टेम्परेचर बढ़ने से या क्रॉस सेक्शन बढ़ने से. मटेरियल पे डिपेंड करते हैं ना, कॉपर का कुछ और होगा, तो इट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ दैट, है ना. मटेरियल पे डिपेंड करेंगे, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नॉन कंडक्टर में कम होते हैं. ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर. ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज सेवेंथ, मार्क द करेक्ट ऑप्शंस. एमीटर एज स्मॉल रेजिस्टेंस, यस, ये डिस्क्रिप्शन हम लोग मैग्नेटिज्म में देखते हैं, सीआरडी बुक में. लेस रेजिस्टेंस डिवाइस सीरीज में कनेक्ट होता है, इट शुड नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, करंट शुड बी एक्यूरेट. तो ये ए करेक्ट है. तो वोल्ट मीटर इज उसका अपोजिट होता है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, लो स्मॉल नहीं होता, ये रॉन्ग है. हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस होने से उसकी तरफ करंट नहीं आता, है ना, और वो एक्यूरेट और रजिस्ट टोटल रेजिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करता वो सर्किट के, तो एक्यूरेट वोल्टेज देता है वो. ठीक है, तो थियरी पार्ट इसका यू कैन सी द लेक्चर्स, है ना. तो एमीटर, आइडियल एमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इनफाइनाइट होगा, इसका जीरो होगा, देन 100% करेक्ट मेजरमेंट कैन बी डन. ऑलराइट, तो नेक्स्ट वन देखते, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 500 माइक्रोफेरेड इज कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ 10 बैटरी थ्रू द 10 किलो ओम रेजिस्टेंस. द चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर इज इन द फर्स्ट 5 सेकेंड इज लार्जर देन द चार्ज स्टोर्ड इन द, दीज आर द ऑप्शन. ठीक है, टाइम कांस्टेंट निकाल लिया पहले, टाओ इज इक्वल टू आर इंटू सी, तो ये तुम्हारा आ गया 5 सेकेंड्स, है ना. तो फिर हमने चार्ज निकाला, देखो कैलकुलेट किया, तो ये तुम्हारा टाइम कांस्टेंट और टाओ, टाइम भी 5 है, है ना, टाइम कांस्टेंट 5 है, मतलब ये कौन सा टाइम है 5 सेकेंड, टाइम कांस्टेंट वाला, मतलब ये वो टाइम होता है जिसमें
63% ऑफ द पीक चार्ज कैपेसिटर पे आ जाते हैं। तो देखते हैं, कैलकुलेट भी करके देखते हैं। देखो ये कैलकुलेट किया हमने, 63% ऑफ द टोटल चार्ज फर्स्ट 5 सेकंड में आ गए, तो नेक्स्ट टोटल ड्यूरेशन में 37% ही आएंगे। कोई भी टाइम इंटरवल, नेक्स्ट टाइम इंटरवल में टोटल ड्यूरेशन में 37% आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? दिस इज मैक्सिमम, फर्स्ट 5 सेकंड इज द मैक्सिमम पीरियड। तो आंसर में देखते हैं, द चार्ज स्टोर्ड इन द फर्स्ट 5 सेकंड इज लार्जर देन विच वन, तो सभी से, बिकॉज बाकी टोटल टाइम में ही 37% आ रहे हैं, तो टाइम इंटरवल अप टू इन्फिनिटिव कर लो, नेक्स्ट मतलब 5000 या 5 लैक्स कर दो, तो टोटल नेक्स्ट टोटल टाइम तक 37%। तो फर्स्ट 5 सेकंड इज द मैक्सिमम, मतलब चार्जेस इज ग्रेटर देन एनी अदर टाइम। यानी कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जस्ट यू कैन पुट द वैल्यूज दिस, तो ये वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। चलो देखते हैं, इसको दूसरे फार्मूले से क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो वन माइनस 5 बाई टी, अगर हमने नेक्स्ट 5 सेकंड पुट किया, ये टोटल टाइम होता है एक्चुअली, यहाँ पे नेक्स्ट टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पर, है ना? तो नहीं, ऊपर आएगा वो, सॉरी, नीचे का तो फिक्स है, नीचे का तो फिक्स है, टाइम बढ़ेगा ये नेक्स्ट, उसके लिए ये देखो, चलो यहाँ पर टी बाई टाओ, लेट मी राइट सम मोर, यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये जो है फिक्स है, टाओ इज 5, तो नेक्स्ट उसमें हम 10 पुट करेंगे यहाँ पर, फिर हम 50 पुट करेंगे, प्लस 5 भी रहेगा, टोटल टाइम होता है ना, तो ये जो बढ़ता जा रहा है, ये क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है, ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.7 होती, तो ये क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, तो ये छोटी होती चली जाएगी जितने, तो क्यू विल बी लेस एंड लेस, ठीक है? तो ऐसे ही बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, दो कैपेसिटर्स है, C11 का है और C22 माइक्रोफैरेड का है, सेपरेटली चार्ज बाय द कॉमन बैटरी ऑफ, सपोज कॉमन बैटरी वी की है तो वी सेम रहने वाला है फॉर लॉन्ग टाइम, द टू कैपेसिटर्स आर देन सेपरेटेड सेपरेटली डिस्चार्ज थ्रू द इक्वल रेजिस्टेंस, तो वी एंड आर सेम है, C1 एंड C2 अलग अलग हैं, ठीक है? बोथ डिस्चार्जेस सर्किट्स आर कनेक्टेड एट टी इज इक्वल टू 0, मतलब डिस्चार्ज करेंगे उनको हम, चार्ज करने के बाद टू कैपेसिटर्स आर देन सेपरेटली डिस्चार्ज थ्रू द ईच रजिस्टर, है ना? रजिस्टेंस को लगा दिया ऐसे, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर को ऐसे लगा दिया रजिस्टेंस में, तो रजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। बोथ डिस्चार्ज सर्किट्स आर कनेक्टेड एट टी इज इक्वल टू 0 पर स्टार्ट किया दोनों को एक साथ, द करंट इन ईच टू डिस्चार्जिंग सर्किट्स इज 0 एट टी इज इक्वल टू 0। तो करंट के लिए पहले इक्वेशन बनाते, देखो चार्ज ग्रोथ ये होता है डिस्चार्जिंग चार्ज डिके, दिस इज द चार्ज डिके इन डिस्चार्जिंग सर्किट, ठीक है? डिफ्रेंशिएट किया, ये आ गया टी इज इक्वल टू 0 पर, ये टर्म तो पूरा चला गया, तो i इज इक्वल टू q0, क्यू नॉट जो है सी इंटू वी होता है और टाओ आर सी होता है ना, तो देखो आई दिखो ये आ गया अपना, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है, पोटेंशियल वी है और टाइम कांस्टेंट उसका सी इंटू आर, ये तो सी सी कैंसिल हो गया, ये आ गया। दूसरे कैपेसिटर का निकालेंगे, क्यू नॉट विल बी 2C × V, वी सेम है, कैपेसिटेंस डबल है उसका, और टाइम कांस्टेंट में भी 2C × R आ जाएगा, C × R होता है, तो ये फिर से कैंसिल हो गया, तो करंट सेम रह रहे, करंट्स का सेम ऑप्शन है, देखते हैं। करंट इन ईच ऑफ द टू 0 है, 0 नहीं है, नॉन जीरो है, देखो V/R आ रहा है, माइनस मीन्स डिक्रीज, माइनस मीन्स इट में इंक्रीज डिक्रीजिंग, है ना? ठीक है, तो करंट इन टू डिस्चार्जिंग सर्किट T = 0 आर इक्वल बट नॉट 0, हाँ इक्वल है, नॉट 0 है, तो ये अन इक्वल वाला रॉन्ग हो जाएगा,
तो अभी ये देखते हैं, सी वन लॉसेस 50% ऑफ इट्स इनिशियल चार्जेस सूनर देन सी टू लॉसेस 50% ऑफ इट्स। तो टाइम कांस्टेंट निकाल लो टी वन एंड टी टू, तो इसका टाइम कांस्टेंट जो है लेस है, टाउ वन इज, टाइम कांस्टेंट क्या होता है 63% जो है चार्ज उसके ख़त्म हो जाए, 63% ख़त्म हो जाए, 37% बचे रिमेनिंग डीके में, ऐसा होता ग्राफ। ठीक, तो किस में जल्दी ख़त्म होगा, जिसका टाइम कांस्टेंट जो है कम होगा, जल्दी डीके होंगे उसमें, जल्दी जल्दी डिस्चार्जिंग होगा। लेस टाइम कांस्टेंट मीन्स 37% जो है कम टाइम में हो जाएंगे, इसमें डबल टाइम लेगा। सेकेंड केस इज टेकिंग डबल टाइम टू डीके, है ना, तो 50% जो है सी वन विल लूज 50% फास्ट, उसका टाइम कांस्टेंट जो है कम है। दूसरे का देखो, एक का ग्राफ ऐसा आएगा, दूसरे का जो है तो उसके 50% होने में, यहाँ पे 50% करीब आएगा, इसमें कम टाइम लगेगा, इसका 50% ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज उसका जो है डीके स्लो रहेगा, टाइम कांस्टेंट इज मोर। ठीक है, सी आर, ऑलराइट, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। थैंक यू, नाउ विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट लेक्चर्स। कीप वर्किंग हार्ड एंड ऑल द बेस्ट। चलो।